और एक बात आप लोगों को बतानी थी आमिर भाई के रिलेटेड, बहुत ज़्यादा बंदे आमिर भाई को इन कश्मीर हेट कर रहे हैं। सो पहली तेरी दूसरी मेरी, ठीक है? चल। एक्चुअली मैं जो इल्यूमिनाटी का टैटू है वो है जानू स्टाइन की बाजू पे। आप लोग बिल्कुल भाई, आप लोग देखना। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शुएब भाई की शॉप से। आज व्लॉग घर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एंड आज हमें जाना है राइड पे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरी डेली व्लॉग की सीरीज आपको कैसी लग रही है। सो आगे मुझे आपके साथ एक बात करनी है आमिर भाई के रिलेटेड, क्योंकि उसको कश्मीर में इतना ज़्यादा हेट क्यों मिल रहा है। सो जैसे हम राइड पे निकलते हैं तो फिर वहीं पे वो बात हम करते हैं, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस मेरा भाई भी आ चुका है, आज हेलमेट डाल के आया है। सर जी किधर जाना है आज हमें? आज जाना है भाई बड़े दूर, राइड पे जाना है। आ जा रहे हैं राइड पे। और ये स्पीकर लाए हैं, चिनमोड़ी से हम राइड निकल बचेंगे, वहाँ घूमने के लिए जाएंगे। ओके ब्रदर, ओके। पहले हम यहाँ अपना काम निपटाते हैं फिर जाएंगे इंशाल्लाह चिनमोड़ी में। ओके वहाँ चल जाएंगे। सो मैं सोच रहा हूँ इस हेलमेट को मैं रैप करवा दूँ, ये बहुत टाइम पहले लिया था मैंने, बट कोई भी लिया बहुत टाइम पहले लिया था मैंने, तो इसकी हालत ना पूरी गंदी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको रैप करवा के एकदम नया बना दें। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में उनको है थोड़ा बहुत काम, मुझे भी है और शफा को भी है, दोनों भाइयों को काम है कॉलेज में। तो चलते हैं हम पहले कॉलेज, एंड पहले हम गए थे नीचे एक स्कूल में, वहाँ पे भी हमें काम था, वो काम हो गया ख़त्म, बट अब चलते हैं हम कॉलेज वाली साइड, एंड वहाँ पे काम तो मिलता है कॉलेज गेट के पास। सो फाइनली गाइस वी आर हेयर इन आवर कॉलेज। सो हम कॉलेज के पास पहुँच चुके, पहुँचने वाले हैं जस्ट बस। ये रहा अपना कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूरी। सो बाइक यहीं पे हम रोकते हैं, चलते हैं अंदर एंड अपने कोई काम है ना। अभी मैंने ये लिखी है एंड अभी यहाँ पे सबमिट कर रहा है भाई, चेक दिस आउट। सो अभी हम चलते हैं बाहर और वहाँ पे जाके कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, क्योंकि सुबह से काम कर रहे थे। सो हालत बुरी हो चुकी है काम कर करके। हाय लोलू, हियर इज फलस्तीन फ्लैग फॉर फलस्तीन, ये चेक मार्क, गुड ब्रदर गुड। सो फिलहाल अभी हम यहीं कॉलेज में बैठे हैं। सो उन्होंने बोला कि अभी लगेगा अभी कम से कम आधा घंटा। सो अभी हम यहीं बैठ के वेट करते हैं, फिर उसके बाद जो अपना काम है वो हो जाएगा फिनिश, एंड उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की राइड करेंगे। बाकी आपको मैं चेक करवाता हूँ कॉलेज का ग्राउंड। हेयर इज़ कॉलेज ग्राउंड, ये नई एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है इन्होंने नई बिल्डिंग, इस ग्राउंड का काम चल रहा है अभी। तो यहाँ पे सामान वामा इधर ही पड़ा हुआ है, एंड हेयर इज़ कॉलेज। सो हम देखते हैं कब तक हमारा काम होता है फिनिश, एंड उसके बाद हम जाएंगे राइड पे। हेयर इज़ आवर करेक्टर सॉफ्ट टेक, एंड बाइक भी हमने चेंज कर ली है, दूसरी वाली उधर ही छोड़ के आए हैं, तो ये फार्म बाइक की बाइक लाई है हमने। मेरे पास है। तो हम निकलते हैं कॉलेज से। सो राइड का कुछ प्लान अभी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कम से कम आधा घंटा बोल के दो घंटे हो गए कम से कम यहाँ पे अंदर बैठ बैठ के। सो पहले हमने ये वाली बाइक लाई थी, फिर हम वापस गए थे उसको छोड़ा दूसरी वाली बाइक को, अब ये लेके आए। अभी हम चलते हैं मार्केट, फिर बाइक देते हैं वापस, एंड ये हेयर इज़ वकार भाई। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ सीन रहेगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हो सर? सो अभी वकार भाई को मिल के अभी हम चलते हैं मार्केट, इफाम भाई को उसकी बाइक देते हैं, उसके बाद अपनी बाइक वहाँ से पकड़ते हैं, एंड राइड का कुछ पता नहीं है। और एक बात आप लोगों को बतानी थी आमिर भाई के रिलेटेड, बहुत ज़्यादा बंदे आमिर भाई को इन कश्मीर हेट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरमान राइडर ने बोला था, पता नहीं आमिर भाई ने इल्यूमिनाटी वगैरह ज्वाइन की है। सो
भाई मेरी भी बाजू पे टैटू है, तो इसका क्या मतलब, मैंने भी इल्यूमिनाटी ज्वाइन की हुई है। सो इल्यूमिनाटी का सीन ये है कि वहाँ पे एक ट्रायंगल का टैटू बना हुआ होता है, सो उसके अंदर आँख बनी होती है, बट आमिर भाई की जो ट्रायंगल वाला टैटू है उस पर कोई आँख वाँख नहीं बनी है, बस फेम के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। एक्चुअली में जो इल्यूमिनाटी का टैटू है वो है जानू स्टंट की बाजू पे, आप लोग बिल्कुल भाई आप लोग देखना वहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे फोटो वगैरह भी डाल दूंगा, आप लोग देख लो किसकी बाजू पे कौन सा टैटू बना हुआ है। बाकी आमिर भाई को फुल सपोर्ट है, लव यू आमिर भाई। फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं नजीब भाई की शॉप पे, एंड यहाँ पे भी हमें काम है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? सो अभी हाँ यहाँ पे भी हमें काम है भाई, दे दो हमें जो कुछ थी हमारी यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह क्या थी, आज पूरा दिन डॉक्यूमेंट के काम में लगे रहे, तो राइड इसीलिए हमारी कैंसिल हो गई। अभी चलते हैं घर, एंड फिर देखते हैं शाम को क्या कुछ मैच होगा, क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा। सो भाई का यहाँ पे सेटअप भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। सो इनकी शॉप की लोकेशन में बता देता हूँ, मस्जिद गली के अपोजिट में, हियर इज़ मस्जिद बाहर, और यहाँ पे भाई की शॉप। कोई भी डॉक्यूमेंट क्या अगर आपको काम वगैरह हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो, भाई यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं। तो बाकी फुल सेटअप है यहाँ पे माशाल्लाह, और अभी अपना काम करते हैं ख़त्म, उसके बाद चलते हैं घर। सो अभी हम आ चुके हैं घर, और घर आते ही देखो हमें कौन मिला, तैयब साहब। सर जी आ गए स्कूल से वापस? जी आ गए। कैसा रहा आपका स्कूल का दिन? अच्छा। मज़ा आया? हाँ। बार बार तो नहीं पढ़ती है स्कूल में? नहीं पढ़ती है। आज हवा भी काफ़ी तेज चल रही है, ये चेक करो। अच्छा आप एक काम करो, आप ये यूनिफॉर्म उतार के आओ, खाना खा लिया? हाँ। पक्का? हाँ। चलो फिर जाके यूनिफॉर्म उतार के आओ। हाँ। उसके बाद फिर लेके आओ आप फुटबॉल या क्रिकेट, क्या खेलें दोनों में से? क्रिकेट। बट पहले फर्स्ट में खेलूंगा, सेकेंड हाफ ठीक है? चलो उसके बाद बॉल और बैट दोनों लेके आओ, फिर हम खेलेंगे यहाँ पे क्रिकेट, ठीक है? जल्दी आना, ठीक है? सो पहली तेरी दूसरी मेरी, ठीक है? चल शॉट है, गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, नाइस शॉट। कौन खेल रहा है? मोहम्मद आमर बॉलिंग करता है। आप पहले बाल पकड़ो फिर देखेंगे। आउट।